क्या 1 महीने में 5 किलो वजन घटाया जा सकता है? पता नहीं, लेकिन ट्राई करने में क्या जाता है। तो ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैथ्स। ये माना जाता है कि 1 पाउंड वजन कम करने के लिए 3500 कैलोरीज घटानी पड़ेंगी। इसका मतलब यदि 1 किलो वजन कम करना है तो 1 किलो लगभग 2.25 पाउंड्स के बराबर होता है। मतलब कुल मिला के 7700 कैलोरीज के अप्रॉक्सीमेटली हमको घटानी पड़ेगी। 7700 कैलोरीज घटाना मतलब 1 केजी घटाना। अब हमें 5 केजी घटाना है 1 महीने में, तो टोटल 7700 कैलोरीज इंटू 5, इसका मतलब 38500 कैलोरीज। अब ये कैलोरीज हमें 30 दिन में घटानी है, तो इसको डिवाइड कर देते हैं 30 से, तो हर दिन हमें लगभग 1300 कैलोरीज घटानी पड़ेगी। तो हर दिन 1300 कैलोरीज कैसे कम करनी है, आइए देखते हैं आज के एपिसोड में। मैं हूं अजीत सिंह चौहान और आप देख रहे हैं लेजेंडरी लाइफ। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आपका जो अभी का वेट है उसको मेंटेन करने के लिए कुछ मेंटेनेंस कैलोरीज लगती हैं, या डेली मेंटेनेंस इंटेक बोल सकते हैं। अब ये कितनी होती है इसे नापे बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो फटाफट ये जो वेबसाइट मैं आपको दिखा रहा हूँ इस पे जाइए, इस पे जाके अपना एज, हाइट, वेट और जेंडर डाल दीजिए, जिससे आपकी डेली मेंटेनेंस कैलोरीज निकल के आ जाएंगी। चलिए अब देखते हैं सबसे पहला मेथड। सबसे पहला मेथड है लोअर कैलोरीज मेथड। इस तरीके में हम 1300 कैलोरीज सिर्फ खाने से कम करने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब यदि आपकी डेली मेंटेनेंस कैलोरीज 2000 है तो आपको 2000 में से 1300 घटा देनी है, मतलब आपको अब सिर्फ 700 कैलोरीज लेनी है। लेकिन सोचिए यदि आपकी डेली मेंटेनेंस कैलोरीज 1200 या 1300 ही हैं और उसमें से आप यदि 1300 घटा देते हैं तो आपको खाने के लिए बचा क्या? ज़ीरो। इसका मतलब यदि कुछ नहीं खा रहे हैं तब जाके आप 5 किलो वज़न घटा पाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि ये मेथड कारगर है? मुझे तो नहीं लगता, और ना ही ये पॉसिबल है। तो इतना इम्प्रैक्टिकल होने की वजह से इस मेथड को हम देते हैं एक क्रॉस। सेकंड मेथड है फुल कैलोरीज बर्नआउट मेथड। इसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि हमारी जितनी भी कैलोरीज है उसे एक्सरसाइज के थ्रू बर्न करेंगे। अब आपको भी पता है कि स्किपिंग सबसे ज़्यादा कैलोरीज बर्न करने वाली एक्सरसाइज मानी जाती है। यदि आपको नहीं पता है तो आप इस वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं। स्किपिंग से कैलोरीज कैलकुलेट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसमें वेट और स्पीड दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपका वज़न ज़्यादा है तो आप कैलोरीज ज़्यादा बर्न करेंगे, यदि आपका वेट कम है तो कैलोरीज कम बर्न होंगी। उसी तरह यदि आपकी स्पीड ज़्यादा है, मान लीजिए आप 100 या उससे ज़्यादा 1 मिनट में स्किप कर सकते हैं, तो आप ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। वहीं 100 से नीचे स्किपिंग करते हैं 1 मिनट के अंदर तो आपकी कैलोरीज कम बर्न होगी। तो इन सब को मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक एवरेज टाइप का निकाला है, जिसमें लगभग यदि आप 100 स्किपिंग करेंगे तो 10 के करीब आपकी कैलोरीज बर्न होगी, डिपेंडिंग अपॉन आपकी स्पीड और वेट। यदि आपका वेट ज़्यादा है और स्पीड भी ज़्यादा है तो आप 10 से बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर सकते हैं, लेकिन यदि आपकी स्पीड कम है और वज़न भी कम है तो आप 10 से कम करेंगे, लेकिन हम एवरेज मान के चलते हैं कि 10। उस हिसाब से यदि आपको 1300 कैलोरीज बर्न करनी है तो आपको टोटल कितनी स्किपिंग करनी पड़ेगी? अगर हम 10 का एवरेज ले तो 13000 स्किपिंग पर डे। क्या आपको लगता है ये प्रैक्टिकल है, 13000 स्किपिंग एक दिन में? यही नहीं, यदि आप 13000 स्किपिंग एक दिन में करेंगे तो आपको 2.5 से लेकर 4 घंटे तक लग सकते हैं, बीच में रेस्टिंग पीरियड इंक्लूड करके। तो क्या आपके पास 3-4 घंटे हैं स्किपिंग करने के लिए? तो ना तो आपके पास इतना करने का टाइम है और ना ही इतनी स्किपिंग कोई कर ही पाएगा। एक दिन भी कर लिया तो भी बहुत बड़ी बात है। तो ये मेथड भी इतना प्रैक्टिकल नहीं हुआ, इस मेथड को भी हम एक देंगे क्रॉस। तीसरा मेथड है 50-50 मेथड। अब नाम से ही आपने पता चला लिया होगा कि 50% इसमें से स्किपिंग होगी और 50% डाइटिंग। 50% डाइटिंग का मतलब अब आपको सिर्फ 650 कैलोरीज ही बर्न करनी है। मतलब यदि आप पहले 1300 कैलोरीज ले रहे थे तो आपको सिर्फ 650 कैलोरीज ही लेनी है।
बट 650 कैलोरीज इनफ है क्या? 650 कैलोरी बिल्कुल दो चार रोटी और कुछ दाल के बराबर होगा। इसका मतलब आप यदि इसको पूरे दिन में खाएं या एक बार में खाएं, यू विल रिमेन हंग्री। यदि आप भूखे ही रह जाएंगे तब तो आपसे कुछ होगा ही नहीं, आप भूखे भी रहेंगे, थके हुए भी रहेंगे। और अभी तो स्कीपिंग वाला पार्ट आया ही नहीं, आपको अभी एक्सरसाइज भी करनी है, 50% स्कीपिंग करनी है, मतलब 13,000 का आधा, कितना 6,500 स्कीपिंग। तो आपको लग रहा है कि आप 6,500 स्कीपिंग कर सकते हैं भूखे पेट पे, सिर्फ 650 कैलरीज या 1,000 कैलरीज लेके? ये बहुत ज़्यादा मेहनती टाइप के यदि लोग हैं और जिनके पास अच्छा खासा टाइम है वो लोग कर सकते हैं, क्योंकि इसको करने में अभी भी आपको 1.5-2 घंटे लगेंगे। तो अब हम चलते हैं चौथे मेथड की ओर, जो कि है मेरा मेथड। अब ये मेथड आपको एक महीने में 5 किलो वजन घटा के नहीं देगा, बट इट इज़ प्रैक्टिकल और आपका वेट लॉस ज़रूर होगा। इस तरीके का मैंने नाम दिया है टाइम रेस्ट्रिक्टेड बर्नआउट मेथड। इसमें स्टेप 1 है, आपको दिन में ऐसे 8 घंटे चुन लेने हैं जिसके अंदर आप दिन में एटलीस्ट 2 बार फुल मील ले सकें। याद रखिए, इन 8 घंटों के अलावा आपको खाने को नहीं मिलेगा। यही वो 8 घंटे हैं जिसके अंदर आपको खाना है और आपकी दिन की जितनी भी भूख की रिक्वायरमेंट है उसे पूरा करना है। 2 बार खाना है, जम के खाना है, और इसमें आप मिठाई नहीं लेंगे और ना ही चाय लेंगे। क्यों? एक कप चाय लगभग 100 से 150 कैलोरीज के बराबर होती है, डिपेंडिंग अपॉन साइज ऑफ द कप। यदि आप एक मीडियम कप लेते हैं और दिन में 2 बार चाय ले लेते हैं तो 200 कैलोरीज तो आपने ऐसे जोड़ लिए। एक टुकड़ा मिठाई 150 से 200 कैलोरीज, ये सारी चीज़ छोटी छोटी होती हैं लेकिन धीरे धीरे आपकी बॉडी में वेट और फैट ऐड करते चले जाते हैं। तो यदि इनको अवॉइड करेंगे तो आप पता नहीं चलेगा, आपको 1 किलो के करीब तो आप वैसे ही वज़न कम कर लेंगे 1 महीने के अंदर। दूसरी चीज़ ये है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के अंदर टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग होती है। इसका मतलब जब आप पहली बार पेट भर के खाते हैं और दूसरी बार आपको 8 घंटे के अंदर ही दोबारा खाना होता है तो आप उतना ज़्यादा नहीं खा सकते। लेकिन याद रखिए, पेट फुल भर के खाना है जिसकी वजह से आप बार बार भूखे ना रहें। तीसरी चीज़ ये है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान हमारी कैलरीज जो हैं, इवन दो हम कम लेते हैं, शरीर उसको आराम आराम से इस्तेमाल करता है। दूसरी चीज़ है कि हमें दिन में एटलीस्ट 2 नहीं तो 1 घंटा तो एक्सरसाइज करनी है, और वो करनी है कब? इस ईटिंग विंडो के अलावा, इन 8 घंटों के अलावा, जो बाकी के 16 घंटे हैं उसके अंदर हमको एटलीस्ट 1 घंटा स्कीपिंग करनी है। कैसे स्कीपिंग करनी है? पहले 50 स्किप्स कीजिए, फिर रेस्ट कीजिए, 50 स्किप्स कीजिए फिर रेस्ट कीजिए, ऐसे कुल मिला के हमको 1 घंटे तक करना है। चलिए अब कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए कि आपने रेस्ट्रिक्टेड डाइट की, उसमें आप 300 से 350 कैलोरीज एक दिन में अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से कम खा पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ स्कीपिंग में आप कम से कम 100-150 कैलोरीज तो बर्न कर ही लेंगे। इसका मतलब आपने एक दिन में 500 से लेके 700 कैलोरीज बर्न कर ली। अब यदि इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 300 से, मतलब आपने लगभग 15,000 कैलोरीज बर्न कर दी 1 महीने में, जो कि लगभग 2 किलो वज़न के बराबर है। अब ये 2 किलो 4 किलो भी कन्वर्ट हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन वेट एंड स्पीड। ठीक है, स्किपिंग में आप कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं वो आपके वेट और आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है। तो जाहिर सी बात है, ये मेथड प्रैक्टिकल भी है और आप इसे इजीली भी कर सकते हैं और आप वेट लॉस डेफिनेटली पाएंगे। 5 किलो नहीं हुआ तो क्या हुआ? 5 किलो करना ज़रूरी नहीं है, आपके पास दूसरा महीना है और वेट घटाने का, आप स्लोली रिड्यूस कीजिए। वैसे भी आप यदि फास्ट तरीके इस्तेमाल करेंगे तो आप अभी के लिए तो वेट घटा लेंगे, लेकिन जैसे ही वो तरीका छोड़ेंगे इमीडिएटली आपका वेट वापस आ जाएगा, जबकि इंटरमिटेंट फास्टिंग में ऐसा नहीं होता है। आप अपना वेट लॉस इंटरमिटेंट फास्टिंग में कंट्रोल कर सकते हैं, वो वेट स्टेडी रहता है सदा आपके साथ, ना कि अचानक से फिर से शूट अप हो जाए। तो कमेंट करके मुझे बताइए कि इन सब में से आप कौन सा तरीका इस्तेमाल करना चाहेंगे। लॉकडाउन में ये सबसे अच्छा तरीका है वेट लॉस करने का, स्किपिंग विद इंटरमिटेंट फास्टिंग। और वीडियोस जल्द ही आएंगे। मैं हूँ अजीत सिंह चौहान और मैं ये आशा करता हूँ कि आपकी लाइफ लेजेंडरी हो जाए।